हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टेक्नो टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप सभी अपने एमसेंट के पॉइंट को पेटीएम में किस तरह से ले सकते हैं। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे जिसकी मदद से आप एमसेंट के पॉइंट को अपने पेटीएम या बैंक में कैसे ले सकते हैं, लेकिन गाइस सारे के सारे वीडियो फेक है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप सभी को, ऐसी ट्रिक को यूज़ करना है और उस ट्रिक के यूज़ करने के बदले में आप सभी का जो पॉइंट जितना भी है यहाँ पर 1,00,000, 2,50,000 वो सभी कैलकुलेट करके आप सभी को जितना भी पैसा बन रहा है आपके पेटीएम अकाउंट के अंदर एमसेंट वाले भेज देंगे। तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, मैं समझाऊंगा आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल इनेबल कर दो ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी तक पहुँचाता रहूँ, आपका पैसा पेटीएम कैश हमारे चैनल के माध्यम से कमा सके। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ यार इस कमाल की ट्रिक के लिए एक लाइक तो कर ही देना। तो गाइस आप जैसे कि अपना एमसेंट ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 1,16,968 पॉइंट मेरे हैं। अब यहाँ पर आपको अर्न पे क्लिक करना है। अर्न पे क्लिक करते ही आपको दिख रहा होगा पर रेफर का एमसेंट ब्राउज़र दे रहा है 40,000 पॉइंट, जो कि आपका फ्रेंड अगर 5 दिनों तक एमसेंट को यूज़ करता है डेली रेफर करने के बाद में, मतलब आपके रेफरल से ज्वाइन होने के बाद में, तो आपको मिलने वाला है। तो गाइस जिन लोगों ने अभी तक रेफर नहीं किया है, तो जिन लोगों को रेफर करना है वो रेफर करके इसके अंदर इतना अमाउंट कर लीजिए कि आपका मतलब एक यहाँ से एक रिचार्ज हो सके। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि 199 का एक रिचार्ज यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1,99,000 जो पॉइंट यहाँ पर लगेंगे और इनको जो है आपको इतना करना पड़ेगा अगर आपको पेटीएम में लेना है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरा मतलब 10,000 पॉइंट है तो मैं उनको पेटीएम में ले सकता हूँ क्या, या 20,000 पॉइंट है, तो वो नहीं होगा गाइस। आपको इतना रिचार्ज के बराबर पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ तक आपका रिचार्ज के बराबर पॉइंट नहीं होगा आपका पेटीएम के अंदर आप नहीं ले सकते। तो जैसे कि आपका रिचार्ज के बराबर पॉइंट हो जाएगा, जैसे ही आपका रिचार्ज के बराबर पॉइंट हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, जितना रिचार्ज है उतना पॉइंट यहाँ पर पैसा आपको मिलने वाला है। बाकी कुछ चार्ज वगैरह अगर काटते हैं तो आपको कैलकुलेशन करके 100% पेटीएम के अंदर पेमेंट दे देगा एमसेंट। वो कैसे, तो चलिए हम वीडियो को दिखाते हैं आगे, बस आप देखते रहिए। आपको गाइस एमसेंट ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर नीचे तीन लाइन है, ठीक है, इस तीन लाइनों पर क्लिक करना है। जैसे आप इन तीन लाइनों पर क्लिक करते हैं आप सभी के सामने नीचे ऐसे स्लाइड करना है, ठीक है। ऐसे स्लाइड करना तो आप सभी के सामने नीचे राइट कॉर्नर में एक हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस सभी लोगों का ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, आप सभी को बताएं। आप अनब्लॉक करने के लिए, अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए कुछ मतलब वेरिफिकेशन फिलअप करते थे, उनको सेंड करते थे, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से इन पॉइंट को अपने पेटीएम में रिडम कर सकते हैं, यानी कि पेटीएम के अंदर ले सकते हैं। और वो पॉइंट नहीं आ गया, आप सभी को बताएं पेटीएम के अंदर पैसे ही आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको क्या करना है, यूर नेम पर आपका नाम डालना है, ठीक है, जो भी XYZ आपका नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ईमेल एड्रेस ऐसा फिलअप करना है जो एक्टिव ईमेल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ईमेल यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, जो भी एक्टिव ईमेल है आपका वो फिलअप कर देना है, क्योंकि कभी अगर रिप्लाई भी आएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आएगा, आपको मेल के थ्रू ईमेल पर ही भेजा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर पेटीएम नंबर का पूछ रहा है, तो आप माफ कीजिएगा, एमसेंट ब्राउज़र का जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो पूछ रहा है, तो आपका जो भी नंबर रजिस्टर है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज कंट्री, तो आप सभी को पता है आप इंडिया से ही है, ठीक है, तो हम इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट के ऑप्शन पे आपको फिलअप करना है, एमसेंट ब्राउजर फीडबैक के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर फिलअप करना है एमसेंट ब्राउजर पॉइंट एक्सचेंज, ठीक है, एमसेंट ब्राउजर पॉइंट एक्सचेंज ऐसा आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है एक्सचेंज, ठीक है। ये सभी ऐसा का ऐसा ही लिखना आप, ठीक है, कोई भी गलत फिल नहीं करना। आपका नाम, आपको अपना एक एक्टिव ईमेल, आपका अपना मोबाइल नंबर जो कि एमसेंट में रजिस्टर है, इंडिया कंट्री, उसके बाद में सब्जेक्ट पर लिखना है एमसेंट ब्राउजर पॉइंट एक्सचेंज। इसके बाद में यहाँ पर एक मैसेज टाइप करने का आ रहा है, हाउ कैन वी इम्प्रूव, तो इसमें आप सभी को मैं दिखा दूँ कैसा लिखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पर एमसेंट ब्राउजर पॉइंट एक्सचेंज की जगह आपको लिखना है पॉइंट एक्सचेंज इन पेटीएम और बैंक, ठीक है, पॉइंट एक्सचेंज इन पेटीएम ऐसा आपको लिख देना, क्योंकि आपको पेटीएम में पैसे लेना था, हम पेटीएम लिख देते, ठीक है, पेटीएम और बैंक भी लिख देते, बिकॉज अगर किसी का UPI ID मतलब बैंक बनना चाहता तो बैंक में भी यहां से ले सकता है, ठीक है, पॉइंट एक्सचेंज इन पेटीएम और बैंक। इसके बाद में हाउ कैन वी इम्प्रूव पे आपको फिलअप करना है, मैं आपको कॉपी कर रखा है, मैंने मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है,
तो गाइज हाउ कैन आई इम्प्रूव, इस पर आपको लिखना है डियर एमसेंट, उसके बाद में जितना भी आपका पॉइंट है, आई हैव अर्न 1 लाख या 1 करोड़ पॉइंट इन एमसेंट ब्रदर, बट आई वॉन्ट टू टेक इट इन माई पेटीएम और बैंक, ठीक है। इसके बाद में लिखना है प्लीज गिव मी दिस पेटीएम पॉइंट इन पेटीएम और बैंक अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, यानी कि आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि मेरा कितना पैसा बन रहा है इन पॉइंट के मुताबिक और मुझे अपने पेटीएम के अंदर दे दीजिए। इसके बाद में नीचे आपको अपना पेटीएम नंबर दे देना है और यहाँ पर लिखा है फाइल अटैचमेंट, तो यहाँ पर आपको जो भी आपका एमसेंट ब्राउजर का मतलब पॉइंट है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और जैसे आप आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर सकते हैं, आप सभी का एक सेंड मैसेज की थ्रू आप सभी एमसेंट वालों को भेज दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका एमसेंट वालों की तरह ये मेल चला जाएगा, आप सभी को या तो ईमेल पे अपना मतलब रिप्लाई दे देगा मेल के थ्रू, या फिर आप सभी को पेमेंट अपने पेटीएम के अंदर दे देगा कैलकुलेशन करके, जो कि मैंने आपको बताया। आपको लिखना है सक्सेसफुली योर ईमेल हैज बीन सेंट। तो इस तरह से आपका ईमेल पेटीएम जो है एमसेंट वालों को पहुंच जाएगा और जैसे ही 22 या 48 आवर्स के अंदर वो आपका मतलब एक्शन ले लेंगे आपके इस मेल के ऊपर। और अगर आपका पॉइंट मतलब एक्सचेंज नहीं हो पाता तो आपको मेल करेंगे कि भाई क्या मेल है, मतलब क्या कुछ आ रहा है, और अगर आपका पॉइंट एक्सचेंज हो जाएगा तो आपको अपने पेटीएम के अंदर पैसा मिल जाएगा पॉइंट को कन्वर्ट करके पैसे में। तो गाइस ये ट्रिक आज तक किसी ने बताई होगी, अगर वीडियो चलो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना हो सके तो भाई के चैनल को। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो।